day, and we went on a walk, and we also got ice cream that day, and I'm having a lot of fun. बर्थडे मनाते समय पीछे से एक छोटी बच्ची का भूत निकल जाना, बेड के नीचे एक शैतानी चुड़ैल का पाया जाना, एक सुनसान जगह पर भूतिया हाथ का दिखाई देना और रात के समय एक शॉपिंग मॉल में भटकती हुई आत्मा का कैमरे में कैप्चर हो जाना, ये सारी घटनाएं तो बहुत ही आम हैं, क्योंकि भूतों का यही सब तो काम है। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम चलने वाले हैं भूतों की दुनिया में लेने भूतों से किस, क्योंकि यह है रियल घोस्ट का पार्ट 23। तो बच्चे और कमजोर दिल वाले कच्चे लोग इस वीडियो को रात में अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो चलो यार, इसी वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का लेजेंडरी फाड़ू वीडियो। इस वीडियो में ये जो फैमिली है ये अपनी ग्रैंड मदर मतलब दादी अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है भैया। बुढ़िया केक पर फूंक मारने ही वाली थी, देखा तुमने, वो पीछे से एक सुपर ह्यूमन स्पीड में एक बच्ची निकली। मतलब भूत था या फिर कैमरे में कोई ग्लिच था, लेकिन भाई स्पीड तो एकदम फ्लैश जैसी थी। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था तब उन लोगों को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि उस समय उनके घर पर इस एज की कोई भी बच्ची नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा तब वो लोग बहुत सरप्राइज हुए कि ये जो वीडियो में कैप्चर हुआ है या हुई है, ये है कौन और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत वाला वीडियो था, बहुत ही हल्का सा वीडियो, ताकि भैया जो लोग दिल के थोड़े से कच्चे हैं वो वीडियो को छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये बेसिकली एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि बेडरूम में लगी हुई थी बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर कुछ रात के समय ऐसी घटना हुई जिसे देखने के बाद उसके मम्मी पापा की भी हालत खराब हो गई। यहाँ पर ये जो बच्ची है ये आराम से अपने बेडरूम में खिलौनों से खेल रही है। मुझे नहीं पता ये विदेश के लोग अपने बच्चों को इतना अकेला छोड़ कैसे देते हैं। और तुम्हें देख रहे हो ये राइट हैंड साइड पर स्क्रीन के भाई, कैसी अजीब सी डरावनी सी गुड़िया यार। वो बच्ची अपना अलग ही खेलने में लगी हुई है डॉल्स के साथ। मुझे तो भाई ये साइड में गुड़िया रखी उसे देख कर डर लग रहा है। अच्छा, बच्ची गाना गा रही थी ना तो उसको बिल्कुल सेम आवाज़ आई बेड के नीचे से, तो अब वो जा रही है देखने कि बेड के नीचे से आखिर गाना कौन गा रहा है। भाई मत करना है ऐसी हरकत, मैं होता ना तो भाग जाता बेडरूम छोड़ के। उसने बेड के नीचे झांक के देखा, उसे कोई नहीं दिखा। भाई मुझे तो गूज बम्प आ रहा है। अरे ऐसी गलती मत करो ना। अरे 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 अरे, खींच लिया। उस बच्ची को ना बेड के अंदर खींच लिया किसी ने। अरे ये कैसे पॉसिबल है यार। ये पॉसिबल तो है अगर कोई मतलब नकली वीडियो बनाना चाहे तो, कोई भी बड़ा भाई या फिर कोई भी कजिन बेड के नीचे छुप जाए और वो अपनी छोटी बहन को या भाई को बेड के नीचे खींच ले। बट ये वीडियो भाई खतरनाक लग रहा है। देखो उसके पेरेंट आ गए, उसकी मम्मी आ गई है। उसने देखा, उसने तुरंत बच्ची को बच्ची बाहर निकल आई। ठीक है भाई, क्या चल रहा है ये। अच्छा, और इतने आसानी से उन्होंने मतलब बेडरूम को बंद कर दिया, बच्ची को अपने साथ ले गई। खैर ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि उसके पेरेंट ने अभी तक सीसीटीवी की जो फुटेज है वो देखी नहीं। उन्हें नहीं मालूम ना कि एक्चुअली में हुआ क्या। उन्हें ये लग रहा होगा कि बच्ची बेड के नीचे चली गई होगी, खिलौना विलौना ढूंढ रही होगी, फिर ठीक है। लेकिन अगले दिन ही उसके पेरेंट ने वीडियो के थ्रू सोशल मीडिया पर एक अपडेट दिया, क्योंकि उन्होंने बच्ची से पूछा था कि भैया उस रात को कल हुआ क्या था। तो बच्ची ने बता दिया कि मुझे एक भूत ने बेड के नीचे खींच लिया था। देन उसकी मम्मी ने फैसला किया कि वो रिकॉर्डिंग करेगी और देखेगी कि आखिर उस बेड के नीचे है क्या। अब यहाँ पर ये जो मम्मी है वो बेडरूम में गई, लाइट जलाई उसने एंड क्या है भाई बेड के नीचे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई क्या है बेड के नीचे, भाई कुछ भी तो नहीं है। ये क्या चीज है। ओ अभी ऐसा लग रहा है कोई डॉल थी क्या उस बेड के नीचे।
बहुत ही रियलिस्टिक डॉल थी भाई, बहुत ही रियलिस्टिक डॉल थी। और वो डॉल ने मूवमेंट किया, ऐसा तो नहीं उसी डॉल ने उसको पकड़ के खींच लिया उस बच्ची को। भाई ये खतरनाक है यार, वैसे जूम करने पड़ते हैं, डॉल जैसी भी नहीं लग रही ये तो, मेरे को कोई जिंदा इंसान की बच्ची लग रही है। एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर आपको मालूम है कि आपके बच्चे के एक बेडरूम में बेड के नीचे भूत है और आप उसका वीडियो बनाने जा रहे हो, तो एटलीस्ट मोबाइल की फ्लैशलाइट तो जला लो। मतलब ये इतना बेसिक सी चीज दी हुई है, फ्लैशलाइट जलाने में क्या बिगड़ रहा है यार। हमको भी थोड़ी सी क्लियर फुटेज मिल जाती, हमें पता चल जाता ना कि तुम उल्लू बना रहे हो कि नहीं। अब तीसरे दिन एक और अपडेट आई अगले वीडियो में, जहां पर ये जो मदर थी जिन्होंने वीडियो बनाया था, उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से खरीदा है। तो जब पता लगाया इस घर के बारे में, तो पता चला कि ये एक कब्रिस्तान के पास में घर है। Was built near, not on, but near a cemetery. और शायद इसी वजह से ऐसी कुछ घटनाएं इस घर में घटती रहती हैं। तो यार घर खरीदने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम कब्रिस्तान के बाजू में घर खरीद लो और सोचो कि भूत भी ना आए, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है भैया। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे को पता चल जाए ना कि ऐसी कोई घटना अपने घर में हो रही है, तो मैं सड़क पर रह लूंगा झुग्गी बनाकर, लेकिन उस घर के अंदर फिर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया जान बची तो लाखों पाए, बंगला गाड़ी भाड़ में जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो अब चलते हैं आपकी फेवरेट जगह पर, जो कि है एक स्कूल। यहाँ पर एक जो टीचर था ना, उसको एक पेरेंट आकर उससे बात करने लग गए, लेकिन वो पेरेंट एक्चुअली में पेरेंट थे ही नहीं, वो एक्चुअली में कोई नहीं थे। वो टीचर हवा में भूत से बातें कर रहा था और ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई कैमरे में। तो यहाँ पर ये जो टीचर है ना, ये आराम से कॉपी चेक कर रहा है क्लास खत्म होने के बाद, अपना फोन इसने चार्जिंग पर लगा रखा है और यहाँ पर क्लास में कोई भी नहीं है। तभी इसको एक अलग सी आवाज़ आती है जो कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी, बट इतनी क्लियर नहीं है, जहाँ पर कोई शायद इस टीचर से हेलो बोल रहा है। टीचर बातें करने लग गया कि मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं जानता, यहाँ पर कोई नहीं है, सारे बच्चे घर जा चुके हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये टीचर ब्लूटूथ वाले हेडसेट से बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सामने खड़े किसी बंदे से बात कर रहा है या किसी औरत से बात कर रहा है। तो ये क्लास चेक करने के लिए जाता है, ये देखने के लिए जाता है उस पेरेंट की शिकायत पर कि भाई मेरा बच्चा क्लास में छूट गया है या जो भी है। तो ये घूम फिर कर देखने जाता है कि कहीं कोई बच्चा तो नहीं छूट गया स्कूल में। और जब ये आकर देखता है वापस, तो ये समझ जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। ये अपना बोरिया बिस्तर समेटता है, बैग वैग में चार्जर मोबाइल डालता है और भाई ये टीचर वहाँ से कल्टी में निकल लेता है, क्योंकि आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि वो पेरेंट जो था ना, वो गया होगा क्लास के बाहर और ये उसके पीछे गया होगा। लेकिन जब उसने बाहर जाकर देखा होगा कि कोई है ही नहीं, तो फिर इसकी फट गई होगी। मतलब लिटरली ये वीडियो बहुत जेन्युइन था, यहाँ पर एक्चुअली में वो टीचर बात कर रहा था और ऐसा कोई फेक वीडियो लग नहीं रहा था। नॉर्मली जो सामने वाला जो भी भूत था ना, उसकी आवाज़ भी हल्की हल्की कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, बट वो क्लियर नहीं थी। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे हेडफोन लाकर, देन आपको सुनाई देगा कि कोई उससे बात कर रहा है, उस टीचर से। एंड देन टीचर भी नॉर्मली बात कर रहा है और फिर जब टीचर को रियलाइज होता है कि भैया जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो एक भूत है, वो एक स्पिरिट है, तो फिर टीचर वहां से कल्टी मार लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक बच्ची अपनी बिल्लैया के साथ, आई मीन उसे कैट के साथ, बिल्ली के साथ अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ ढूंढने आई है, किसी से बात करने आई है। बट यहाँ पर वो एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, देख रही है शायद अंदर कोई है। और उसके बाद वो बच्ची इतना डर जाती है कि वो गेट लगा देती है, लेकिन जब वो गेट लगा रही होती तो ज़रा उधर देखो साइड में, दिखाई दिया कुछ? देखो मैं दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ मैं उतनी जगह पर। जब वो बिल्ली खड़ी हुई है, उधर से कोई चीज़ हिल रही है, वो एक अजीब सा हाथ टाइप का है। लेकिन ये CCTV की फुटेज इतनी ज़्यादा कंप्रेस्ड है ना कि इसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ एकदम HD घोस्ट हैंड। सेम ऐसी घटना घटी थी, दो व्लॉगर्स थे जो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर गए थे, जहाँ पर पुराने ताबूत रखे हुए थे और मतलब बहुत ही अजीब सी खंडर जैसी जगह थी। तो ये लोग वहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे थे और बेसिकली ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ही कैप्चर करते हैं, तो डेफिनेटली इनके वीडियो में भूत का आना तो ज़रूरी है, नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे। बट इट डजंट मीन कि ये वीडियो फेक है,
हो सकता है ये वीडियो असली हो, क्योंकि ये लोग बहुत ही जेन्युइन वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको एक गड्ढे टाइप की जगह है, यहाँ पर दो ताबूत रखे हुए हैं और ये बहुत ही नॉर्मल वीडियो बनाया था उन लोगों ने, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कहाँ एक्टिविटी हुई है पैरानॉर्मल। ये देखो ये बंदा मोबाइल से चला रहा है, अब देखो जरा ध्यान से देखो जरा ये जो जगह है ना, ये देखा एक हाथ ये अंदर गया, ये देखो भाई साहब। नॉर्मली अगर आप देखोगे वीडियो को तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ। सेम इंसिडेंट पहले भी दिखाया था मैंने, जहाँ बेसमेंट में वो बिल्ली खड़ी थी गेट के बाहर, वो पिंक हेलमेट में बच्ची थी और एक हाथ था। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पूरा भूत दिखाई दे, कभी कभी भूत केवल अपना हाथ दिखा देता है और कभी कभी जो भूत होता है ना वो आपको अपना साथ भी दिखा देता है। भैया एक बंदा था जो एक शॉपिंग मॉल में काम करता था और उसके साथ भूत साथ चिपक लिया, मतलब उसके साथ ही लग लिया, घर तक आ गया उसके, और ये सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो भैया ये जो फुटेज है ना ये एक शॉपिंग स्टोर का है, जहाँ पर रात के टाइम पर इसी जो एम्प्लॉय है, जो शॉपिंग मॉल का एम्प्लॉय कम और हनी सिंह का फैन ज़्यादा लग रहा है, इसकी भैया नाइट ड्यूटी लगी थी अकेले, इतने बड़े मॉल में अकेले ड्यूटी लगी थी। तो रात को इसको कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लग गई, तो इसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि भैया अकेला था कुछ भी कर सकता है। और फिर वो दिखा रहा है, देखो इसने फ्रंट कैमरा चालू किया कि उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ दूर, काले रंग का साया, और भाई ये भूत को देख के ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे पता नहीं क्या देख लिया उसने। मतलब अगर मैं ऐसा देख लेता ना कि अकेले शॉपिंग मॉल में मैं हूँ और दूर मुझे कोई काला साया दिखाई दे रहा है, शॉपिंग मॉल की दीवारें तोड़ कर भाग जाता मैं। लेकिन भैया ये बंदा नहीं डर रहा, ये हंस के खुश होके वीडियो बना रहा है, वो दिखा रहा है लोगों को, मतलब तमाशा ही बना के रखा है यार भूत का। लेकिन भूत भाई को उसकी हरकत पसंद नहीं आई और इसीलिए उस बंदे के साथ अगले दिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक कांड हो गया। वो जब अपने घर आया ना तो उसके सीसीटीवी में ऐसा भूत रिकॉर्ड हुआ जो उसने सेम शॉपिंग मॉल में रात को देखा था, और वो उसके घर के सामने वाले खंडर में मौजूद था। भैया ये बंदा उठा सुबह सुबह, इसकी नींद खुली, इसने बोला भाई क्या चक्कर चल रहा है, कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा कौन आ गया इसके एरिया में। तो फिर इसने आके अपना सीसीटीवी चेक किया तो उसने बोला कि ये सामने जो मकान है वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं और वो मकान में कोई काले रंग का साया दिखाई दे रहा है जो इसके घर पर नजर रखे हुए है। अब इसकी हालत खराब हो गई, देखो इसने सीसीटीवी चेक किया तो सीसीटीवी में इसको काले साये का मूवमेंट रिकॉर्ड हो गया। अब ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या किसी जानवर की परछाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जितना खुश हो रहा था ना शॉपिंग मॉल में भूत का वीडियो बनाकर, इसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। तो भैया अगले दिन ये फिर हिम्मत लाकर उस सुनसान मकान में गया जहाँ पर काला साया दिखाई दिया था, कैमरा वैमरा बिल्कुल साथ में लेकर। भाई की हालत एकदम टाइट हो चुकी है क्योंकि उसे समझ में आ गया कि भूत अब मेरे पीछे लग लिया। यहाँ कर उसने देखा कि भाई पूरी जगह एकदम खंडर है और यहाँ पर कोई रहता वहता नहीं है, कोई आता भी नहीं है, तो मतलब अगर कुछ रात में दिखाई दिया है तो वो कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ तो थी। इसलिए कहते हैं इन सारी चीज़ों के साथ ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इनको देखकर खुश नहीं होना चाहिए जैसे कि मैं होता रहता हूँ। तो भैया मेन बात तो ये है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि अनएक्सप्लेनेबल हैं, इनके पीछे कोई साइंस कोई लॉजिक काम नहीं करता, और ऐसी चीज़ें जब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और भारत में इनको कहा जाता है भूतिया घटनाएं। यार बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप कि आपको रियल घोष का पार्ट 23 पसंद आया होगा। सोचो पार्ट 23 2024 23 पार्ट बन गए, मतलब 2024 में 24वां पार्ट बनता ना तो बहुत सही कोइंसिडेंस बैठता, बन जाएगा अगले महीने डाल दूंगा मैं। लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक, इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं इस सीरीज का 24वां पार्ट डाल दूंगा यूट्यूब पर। तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो, फटाफट से 1,00,000 लाइक कंप्लीट करवा दो और मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, देखना मजा आया कि नहीं आया, आया तो होगा। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।